चार दिनों के लोक आस्था का महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। कोलकाता समेत हावड़ा, हुगली, उत्तर व दक्षिण 24 परगना जिले में चैती छठ की जबरदस्त धूम दिखाई पड़ी। वैसे तो चैती छठ का महापर्व बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के विभिन्न गंगा घाटों पर छठ व्रतियों और भक्तों में जबरदस्त आस्था देखी गई। बड़ानगर के आलम बाजार गंगा घाट पर छठ व्रतियों की भीड़ उमड़ी। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पालन किया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि छठ पूजा करने से परिवार में कल्याण होता है। यह महापर्व संतान सुख, संतान की दीर्घायु और घर परिवार में सुख समृद्धि व खुशहाली के लिए किया जाता है। छठ पूजा इसलिए किया जाता है कि भगवान हम लोग को शरीर से स्वस्थ रखते हैं या सब मनसा पूरा करते हैं। कोई भी मन में जो रखते हैं वो पूरा होता है। आज तक हम करते आए हैं और पूरा हुआ है, अभी भी पूरा हो रहा है। जब पूजा का टाइम आता है तो हम अच्छे हो जाते हैं। जब करना चाहते हैं तो बस हम अच्छे हो जाते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लड़का का छठी मनाया जाता है ना, बेटा का छठी मनाया जाता है चैती छठ। हम अपने लड़का के लिए किए चैती छठ। हाँ, मनोकामना जो किए हैं वो हमारा छठी मैया पूरा कर दिया, इसलिए हम कर रहे हैं। छठ पूजा में समाज सेवी संस्थाओं का बड़ा महत्व होता है। छठ व्रतियों की मदद व सेवा में समाज सेवी संस्थाओं की अग्रणी भूमिका रहती है। आलम बाजार गंगा घाट पर चैती छठ पर एकमात्र समाज सेवी संस्था सूर्य सेवा समिति का ही शिविर दिखाई पड़ा। संस्था के सचिव जितेंद्र कुमार साव का कहना है कि हर साल छठ व्रतियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। साल के बाद इस साल भी सूर्य सेवा समिति चैती छठ में कैंप लगाया है और एकमात्र संस्था सूर्य सेवा समिति ही चैती छठ में लगाता है। हम लोग कोशिश यही है कि लोगों का सहयोगिता प्यार मिले, इस साल से अगले साल और अच्छा करेंगे, क्योंकि चैती छठ बहुत कठिन है, क्योंकि गर्मी के दिन में होता है। पहले कुछ ही लोग करते थे, अभी जो है बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं दिन पर दिन। ऐसे लग रहा है कि अब चैती छठ में ही लोगों का आस्था और विश्वास बढ़ रहा है और छठी मैया की जय। इस बार हम जो देख रहे हैं पूरे बाजे गाजे के साथ, और इस साल जो है और ज़्यादा लोग आ रहे हैं और दिन पर दिन इसकी संख्या बढ़ रही है। क्योंकि कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को होने वाली छठ पूजा की तरह ही चैत्र माह में भी छठ पूजा होती है। इस छठ को यमुना छठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन यमुना देवी पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। ऐसे भी मान्यता है कि चैती छठ की पूजा अर्चना करने से छठी माता की कृपा बनी रहती है। युवा शक्ति के लिए लखन भारती की रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।